स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरों की ओर। बेटे के सामने पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजगढ़ जिले के सारंगपुर में अस्पताल रोड पर बाइक सवार तीन लोगों ने स्थानीय पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मंगलवार रात 9 बजे की है। सलमान खान 35 साल उम्र अस्पताल के किनारे स्कूटी पर बैठा था। इसी दौरान तीन लोग पहुंचे और कनपट्टी से सटाकर गोली चला दी। वारदात के वक्त सलमान का 9 साल का बेटा भी उसके साथ था। गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को बताया कि बाइक सवारों ने सलमान को देखते ही बिना बात किए गोली मार दी। सलमान पर पिछले साल भी हमला हुआ था, जिस समय गोली मारी गई उसी समय घटनास्थल में महज 50 कदम की दूरी पर SDOP अरविंद सिंह गाड़ी से आ रहे थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही बाइक सवार गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगाले हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी हिरासत में होगा। सलमान लंबे समय से इंदौर से प्रकाशित एक दैनिक अखबार और YouTube चैनल में काम करता था। मैं आपका लक्ष्मण सिंह रावत। लक्ष्मण जी, आया GFC ऑफिस में ज्ञापन दिया गया, किस संस्था के द्वारा दिया गया और क्या मांग थी आपकी? पत्रकारों पर लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं, जैसे कि अभी राजगढ़ तहसील के उसमें सारंगपुर में सलमान अली पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और उस अवसर पर हम सीधी जिले के सभी पत्रकारों ने एकत्रित होकर ज्ञापन दिया है। एक गुना में एक पत्रकार को भी उसके साथ में मारपीट का मामला सामने आया है, उसका भी हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया था। आज SP ऑफिस में जाकर हम चाहते हैं कि पत्रकारों के हितों में कोई एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे पत्रकारिता जो है वो सुरक्षित रहे। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए KKR न्यूज़ के साथ।